जो स्कूल जो है दूसरा वाला, उसमें हम देखना चाह रहे हैं कि वो चीज़ क्या रखा है उसमें। कहाँ दूसरा स्कूल है? ये बगल में है। तो ये स्कूल अभी नया बना है जी, और पहले का पुराना स्कूल वो है जी। तो सर उसमें क्या है सर? खाली है, एगो आंगनबाड़ी का सामान है कुछ, उसमें अपना सामान रखे हैं। देख लीजिए, एक रूम जो आंगनबाड़ी का सामान रखा है, एगो रूम में कुछ अपना सामान, रूम यहाँ आई है तो वहाँ खाली है, रख दिए सामान। अच्छा, मतलब वो भी बिल्डिंग सारा चीज़ ठीक ठाक है। अच्छा, आप एक ही स्कूल? दो गो टीचर हैं, दो ठो रूम है सर, दो जगह बैठते हैं, मतलब दो रूम हम लोग का। जब ज्यादा मास्टर अगर बढ़ जाएंगे तो रूम खाली कर देंगे। उसमें अपना यूज नहीं कर रहे हैं? अपना यूज कर रहे हैं। एक रूम में आंगनबाड़ी का सामान रखा है, एक जो रूम है हम उसको सामान रखे हैं, एक ऑफिस है, और दो गो रूम है, दो गो टीचर हम लोग बैठवे करते हैं, अगर टीचर बढ़ जाएंगे तो। कैमरामैन से चाहूँगा कि आप वो वाला स्कूल भी आप दिखाएं कि ये देखिए, जस्ट बगल बगल में ये स्कूल है, और वो स्कूल भी लगभग ठीक ही है, जिस तरह का बिल्डिंग वो सामने से दिख रहा है का, उसमें आप देख सकते हैं वो बिल्डिंग। सर खोल के देखा जाए उसमें थोड़ा सा, क्या खोल के उस स्कूल में देखा जाए अंदर क्या चीज है? प्रिंसिपल सर हैं, कहाँ गए? आंगनबाड़ी वाला आवेंगे तब ना आंगनबाड़ी को। वो आंगनबाड़ी का चीज नहीं है सर, अगर कोई भी विभाग आएगा तो वो आपकी जिम्मेदारी। वीडियो साहब हमको आदेश दे के खुलवाए के बारे। वीडियो साहब बोलते हैं दूसरा देश के है तो आंगनबाड़ी खुल जाएगा तो उसमें बच्चन पढ़ेंगे। अगर बच्चा तीस तीन आंगनबाड़ी सेंटर यहाँ कहाँ पे है? सामने सेंटर है, यहाँ से पैक होकर जाता है गाँव में गाँव जाता है। कहने का मतलब है सर कि आंगनबाड़ी है वो कि स्कूल है वो? आंगनबाड़ी का सामान पैक यही होता था, हमने वो पूछा। वो स्कूल है कि आंगनबाड़ी? स्कूल है, हम नहीं दे रहे थे, वीडियो साहब लान के हमको फोन करके बोले दे दीजिए एक आध दो साल के लिए, फिर आंगनबाड़ी। कौन वीडियो साहब? जो बदली हो गए इसके अगल पहले नहीं थे, वो फोन करके बोले रूम वाले को दे दीजिए। फोन पर आप दे दिए उनको? जी अथी हमारे बीओ साहब भी बोलेंगे दे दीजिए। फोन पर आपको ऑर्डर दिया वो लोग वीडियो साहब, और आप जो शिक्षा विभाग का चीज आप दे दिए आंगनबाड़ी को? तो हमारा जैसे बच्चन अगर तीन टीचर हो जाएंगे तो तब तक खाली हो दे दिए। शिक्षा विभाग में आपके डिपार्ट से वीडियो साहब कभी दूसरा चीज आपको कभी बोले उस चीज के अलावा? तो जो सेंटर वाले वीडियो साहब का मतलब स्कूल से है, बीओ साहब से भी बात कर रहे थे आपको? वीडियो साहब का आप नाम लिए, वीडियो साहब से? वीडियो साहब भी बोले हैं, बीओ साहब भी बोले। वीडियो साहब का स्कूल में क्या रोल है बताइए? आज तक कभी दूसरे काम के लिए? फर्स्ट बार अथी भी जो नरेश राम है भी रिटायर कर गए, वो बोलेंगे सर दे दीजिए। ये देख सकते हैं जैसा कि ग्रामीण जिस तरह की आरोप लगा रहे हैं कि एक बिल्डिंग खाली पड़ा है और उसको ये अपने यूज में इस्तेमाल में ला रहे हैं। आप ये कहना? हाँ हाँ, वही कहना चाह रहे हैं। सरकारी भवन है जो स्कूल है उसको हाँ, लोग अपने यूज में ला अपने रहे हैं। हाँ, जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं वो तो ये आप देख रहे हैं कि जिस तरह की सच्चाई यहाँ पे की, अनगिनत मामले हैं, घंटों वीडियो बनाने पड़ जाएंगे, लेकिन इतना से भी हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि ऐसे जो मामले हैं उनको अपनी संज्ञान में ले। मैं डीसी साहब से अनुरोध करूँगा, शिक्षा विभाग के मंत्री बन्ना गुप्ता जी से भी मैं अनुरोध करता हूँ कि ये जो शिक्षा की जो आज षड्यंत्र यहाँ पर दिन दहाड़े रचा जा रहा है, लाखों बच्चों के भविष्य खराब की जा रही है, इन सब चीज़ों पर झारखंड के शिक्षा मंत्री जी मेरा अनुरोध है कि आप जल्द से जल्द कार्रवाई करें। अध्यक्ष भर यहाँ का है, उपाध्यक्ष यहाँ के नहीं है। कहाँ के हैं? गौरी जी के लड़की है जो कि उनको शादी हो गया है, रेणु देवी। तो आप कह रहे हैं कि जैसे अध्यक्ष हो, कोषाध्यक्ष हो, ये सब लोग ये सचिव जो है कि जो थे यहाँ के हेडमास्टर हुए, वो खुद अपने भी सचिव स्कूल का है। अच्छा, हेडमास्टर खुद सचिव हैं और उपाध्यक्ष इनकी बेटी है। अच्छा, और अध्यक्ष? इनका बहू है अध्यक्ष। अध्यक्ष इनकी बहू है। आप देख सकते हैं कि ये स्कूल एक स्कूल है, स्कूल के दोनों मास्टर जो हैं, स्कूल के जो दोनों मास्टर हैं वो यहीं के हैं, और जैसा कि लोग बता रहे हैं कि अध्यक्ष इनकी बहू है, उपाध्यक्ष इनकी बेटी है जिनका शादी भी हो चुका है, बता रहे हैं जो बेटी जिनका शादी हो चुका है वो उपाध्यक्ष हैं अभी, और सचिव ये खुद हैं। तो एक ही स्कूल में इतने सारे पोस्ट से भरा हुआ एक स्कूल है, फिर भी अगर इस तरह की बातें अगर होती है, और ख़ास करके उन बच्चों के लिए जिन बच्चों का सरकार मध्याह्न भोजन के नाम से वहाँ से खाना भेजती है, और खाना भेजती है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से उसको लोग डाइवर्ट कर लेते हैं अपनी ओर, और बच्चे आप बच्चों को दिखाएं जिस तरह के, देखिए यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, और इनके भविष्य के साथ एक तरह से आप कह सकते हैं कि खिलवाड़ किया जा रहा है। हालांकि झारखंड सरकार जो है ये बहुत तरह की दावे करती है शिक्षा विभाग को लेके, स्कूल को लेके, लेकिन जिस तरह की सच्चाइयाँ पिछले एक
एक सप्ताह से जो हुंकार 24 की टीम जो दौरे कर रही है शिक्षा को लेकर, तो ये चीज़ देखने को मिल रहा है कि सरकार की सारी जो नीतियां हैं वो फेल हैं, जो उनका किया हुआ कार्य है वो फेल है। तो आइए यहाँ पे कुछ लोगों से और हम जानेंगे, कुछ बच्चों से वाला भी इन्हीं का पुत्र है। अच्छा, कुछ और क्या क्या बता रहे हैं? खाना जो बनाते हैं उनका इनका ही बहू है, जो खाना बनाते हैं रसोईया। दो रसोईया हैं जिसमें एक तीन है, तो दो अलग घर का है, एक इन्हीं का बहू है। अच्छा, मतलब कि जैसा ये बोल रहे हैं, हम अगर इसको कम शब्द में कहूँ तो अध्यक्ष से लेकर मतलब एक स्कूल के लिए ज़रूरत के जितने भी पोस्ट होते हैं सब एक ही घर में, अगर ये कहें तो गलत नहीं? गलत नहीं है, यही है ना कि एक ही परिवार में एक ही घर में जितने भी पोस्ट हैं वो गए हैं। हाँ, तो ये आखिर कैसे संभव हो पाए यहाँ पे जनता, क्योंकि अध्यक्ष की बात जहाँ तक हम समझते हैं कि जनता उसे चुन के भेजती है अध्यक्ष के लिए, ग्राम सभा होवे नहीं किया, तो क्यों नहीं हो पाया? यहाँ की जनता आखिर क्यों इस बात के लिए आगे नहीं बढ़ती है? अपने हम लोग के मान ली कोई जानकारी नहीं यहाँ से मिला है कि यहाँ अध्यक्ष चुनना है, सचिव चुनना है, तो हम लोग किसी को क्या पता चलेगा? इन लोग हर ही अपने अपने बना के सब आगे भेज दिया है। तो इस चीज़ की शिकायत आप लोग शिक्षा विभाग को या फिर आपके जो प्रतिनिधि हैं, जन प्रतिनिधि विधायक कह लें, जो जिला पार्षद कह लें, या जो भी संवैधानिक पद पर जो ऐसे जिम्मेवार लोग बैठे हुए हैं, उन लोगों तक आप ग्रामीण क्यों नहीं गए? आखिर इस तरह की बातें इस तरह की यहाँ पे हो रही है तो इसके खिलाफ तो आवाज़ उठानी चाहिए आपको पहले से। उठाना तो चाहिए था, लेकिन हम लोग का हाल फिलहाल में जानकारी हुआ है तो कैसे पहले से बताएं? हम तो यहाँ लिस्ट जो लिखा हुआ है उसको पढ़े तब ना हम लोग जाने हैं। अच्छा, पहले भी है यहाँ? हाँ, लिखा हुआ पहले नहीं था, हाल फिलहाल में लिखा गया। आप यहीं के हैं? हाँ, देख सकते हैं कि जैसा कि आप ये लोग बता रहे हैं, ये काफ़ी चिंता का विषय है और ये लिस्ट का जिक्र कर रहे हैं। आइए हम आपको उस लिस्ट को दिखाते हैं कि आखिर क्या सच्चाई है। पहले लोग कहते थे कि परिवारवाद, तो ऐसा मालूम होता है जैसे ये परिवारवाद की ही घटना है। और ये देखिए, संगीता देव जो है बहू है, दिखाइए, ये है लड़की है और ये जो है टीचर है, शिक्षक है। अच्छा, ये देख सकते हैं आप, ये श्रीमती संगीता देवी जी अध्यक्ष हैं, श्रीमती रेनी देवी जी उपाध्यक्ष, श्री दुलार चंद साव सचिव, ये तो शिक्षक सदस्य, ये तीनों फैमिली मेंबर हैं आपस में, ये आप कह रहे हैं, तो ये आप देख सकते हैं। और आइए स्कूल के हम अंदर भी आपको दिखाते हैं कि यहाँ किस तरह की विधि व्यवस्था जो है, आइए दिखाते हैं आपको। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।